सब चीजों की शुरुआत, इस ब्रह्मांड में हम जो भी चीजें देख रहे हैं उन सब चीजों की शुरुआत बिग बैंग। आज के सिद्धांत के अनुसार तो बिग बैंग ही ब्रह्मांड के जन्म का कारण है। अब ये बिग बैंग क्या है? बिग बैंग वो कल्पना है जो हमें ये बताती है कि यूनिवर्स का भी जन्म हुआ है और ये अनंत नहीं है। जब तक बिग बैंग की थ्योरी नहीं आई थी तब तक लोग यूनिवर्स को अजन्मा और अनंत मानते थे, लेकिन 1964 में एक्सीडेंटली कॉस्मिक बैकग्राउंड रेडिएशन को ढूंढा गया जो कि ब्रह्मांड के शुरुआत के समय में हुए घटनाओं का कुछ बचा हुआ अवशेष था। बस यही वो खोज थी जिसका अध्ययन करके वैज्ञानिकों ने बिग बैंग को वाइडली एक्सेप्ट किया और आज तक बिग बैंग थ्योरी को ही ब्रह्मांड की शुरुआत का कारण माना जाता है। तो आज हम इस बिग बैंग को बढ़िया तरीके से जान ही लेते हैं। बात शुरू होती है आज से 13.8 अरब साल पहले से, एक बहुत बहुत और बहुत ही ज्यादा छोटे बिंदु से जिसे हम सिंगुलैरिटी कहते हैं। ये सिंगुलैरिटी पॉइंट अचानक से बहुत ही कम समय में एक फुटबॉल के साइज जितना बड़ा हो जाता है, इतने सेकंड में, इतने कम समय की हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। ये छोटा सा बिंदु लगातार अकल्पनीय रफ्तार से फैलता जा रहा था। यहां मैं आपको बता दूं कि बिग बैंग एक धमाका नहीं था। कई लोग कहते हैं कि बिग बैंग एक धमाका था, लेकिन ये सही नहीं है क्योंकि धमाका सदैव एक स्पेस में ही होता है, लेकिन बिग बैंग के समय स्पेस था ही नहीं। बिग बैंग वाले सिंगुलैरिटी पॉइंट का कोई डायरेक्शन ही नहीं था और न ही कोई बाउंड्री थी। वो अनंत घनत्व वाला बिंदु अपने ही अंदर सभी जगह फैलता जा रहा था, स्पेस खुद को ही अपने अंदर एक्सपेंड करता जा रहा था, और उस दृश्य की तापमान की तो कल्पना ही मत कीजिए। इतने गर्म और बहुत ही डेंस वातावरण में एनर्जी खुद को छोटे छोटे कणों में कन्वर्ट करती है और इन्हीं छोटे कणों में ही तरह तरह की क्रियाओं के साथ ही क्वार्क का जन्म होता है। क्वार्क वो छोटे कण हैं जिनसे मिलकर प्रोटॉन का निर्माण होता है, और क्वार्क के जन्म के साथ ही यूनिवर्स के चार फंडामेंटल फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और ग्रेविटी भी डिफरेंट रूल के साथ काम करने लगे, यानी इनका जन्म भी हो चुका था। और इसी के साथ ही ब्रह्मांड अरबों खरबों किलोमीटर के डायामीटर में फैल चुका था, जिसके कारण ब्रह्मांड के तापमान में थोड़ा गिरावट भी आया। इसका मतलब ये नहीं समझिएगा कि आप उस समय के तापमान का कल्पना कर सकते होंगे, वो भी बहुत ज्यादा था। तापमान गिरने के बाद भी बहुत ज्यादा था। तो तापमान गिरने के बाद क्वार्क नए पार्टिकल बनाना शुरू करता है, और वो पार्टिकल हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और जब तक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जन्म हो चुका होता है तब तक यूनिवर्स एक सेकंड पुराना हो चुका होता है, और यूनिवर्स अरबों खरबों किलोमीटर में फैल चुका होता है, और इतना ठंडा हो चुका होता है कि ब्रह्मांड का पहला एटम बन सके, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ही ब्रह्मांड का वो इकाई अणु है, यानी बिल्डिंग ब्लॉक है जिससे सब कुछ बना है। वैज्ञानिकों के अनुसार उस समय के यूनिवर्स का तापमान 10 अरब डिग्री सेल्सियस था। अगले कुछ सेकंड में यूनिवर्स पूरी तरह से हाइड्रोजन के कण से भर जाता है, पर अभी यूनिवर्स भयंकर अंधकार से भरा हुआ होता है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस विजिबल लाइट की किरणों को प्रकाशित करने में सक्षम नहीं था, और उस समय तक तारों का निर्माण भी नहीं हुआ था। करोड़ों साल तक तो यही चलता रहा, हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता रहा और वो फैलते रहे। फिर एक नए मिस्टीरियस एलिमेंट डार्क मैटर ने अपना कमाल दिखाया और हाइड्रोजन के एटम को एक गुच्छों की तरह पास ले आया, और फिर ग्रेविटी ने अपना कमाल करते हुए इन एटम को कोलैप्स करते हुए स्टार्स का निर्माण किया, और स्टार्स ने आपस में मिलकर गैलेक्सी का निर्माण किया। तारों से निकलने वाले रेडिएशन ने हाइड्रोजन गैस को प्लाज्मा में कन्वर्ट कर दिया, और अब ये विजिबल लाइट को पास करने में सक्षम था। अब यूनिवर्स में लाइट था, तारों की चमक से ब्रह्मांड चमक रहा था। वैज्ञानिकों ने एक और बात बताई है, उन्होंने ये बताया है कि ब्रह्मांड के जन्म के समय से ही एक और मिस्टीरियस एनर्जी का जन्म हुआ था, डार्क एनर्जी का।
इस डार्क एनर्जी के कारण ही ब्रह्मांड बहुत तेज रफ्तार से फैलता जा रहा है। न केवल फैलता जा रहा है बल्कि इसके फैलने की रफ्तार भी बढ़ती जा रही है। अब जरा सोचिए, जिस रफ्तार से ब्रह्मांड फैल रहा है उस हिसाब से ब्रह्मांड कितना बड़ा होगा। जरा सोचिए, ब्रह्मांड कितना दूर तक फैला होगा। इतने बड़े ब्रह्मांड में हम मनुष्य की पहुंच कहां तक होगी। वैज्ञानिकों के अनुसार ब्रह्मांड में मनुष्य 93.2 अरब प्रकाश वर्ष तक ही चीजों को ऑब्जर्व कर सकता है, जिसे हम ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स कहते हैं। ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के पार के ब्रह्मांड की अभी हमें कोई नॉलेज नहीं है। वहां क्या है और कैसा है, अभी भी ये एक मिस्ट्री बनी हुई है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो के बारे में अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।